नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका ऑल इंडिया न्यूज़ 24 में। तो आज दोस्तों गेहूं के ऊपर हम एक वीडियो और लेकर के आए हैं अपने किसान भाइयों के बीच। दोस्तों खेतों में एक मरतबा फिर हम पहुंचे हैं यहां पर, और दोस्तों आज जिस गेहूं की मैं अपडेट आपको दूंगा वो पहली ऐसी गेहूँ है दोस्तों जो पैदावार तोड़ने की तरफ अग्रसर है। माफ़ कीजिए, अब की बार ये जो गेहूँ लगाई गई है दोस्तों मैंने पहली बार ऐसी गेहूँ देखी है जो रिकॉर्ड तोड़ेगी यहाँ पर। तो अगली वीडियो दोस्तों उस गेहूँ की यहाँ पर मेरे सामने आप ठीक देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये गेहूँ दोस्तों इस खेत में तैयार हो रही है। चार खेत हैं दोस्तों, चार या पांच खेत हैं जिनके अंदर जो गेहूँ दोस्तों लगाई गई है वो पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ने की क्षमता यहाँ पर रखती है और तोड़ेगी, क्योंकि ये फसल दोस्तों तैयार हो चली है। और इसके अंदर एक खासियत आपको देखने को मिलेगी कि ये गेहूँ पहले जो गेहूँ लगाई जाती थी उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। और इसका बीज भी जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ वाला बीज दोस्तों इसमें लगाया गया है। तो चार खेत हैं दोस्तों जिनके अंदर ये गेहूं जो है लगाई गई है वो अब की बार पैदावार में और बीज में दोस्तों सभी गेहूं की फसलों का जो है रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये है पहला खेत, और अब मैं दोस्तों आपको ले चलता हूँ दूसरे खेत की तरफ। ये है दोस्तों दूसरा खेत, इस खेत के अंदर भी दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ पैदावार वाली गेहूँ और रिकॉर्ड तोड़ बीज वाली गेहूँ दोस्तों लगाई गई है। ये भी काफ़ी बड़ा खेत है दोस्तों, इस तरफ आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों आज की जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ और लेकर के आऊँ ये वीडियो स्पेशली तौर पे। और ये गेहूँ दोस्तों कोई मामूली गेहूँ नहीं है, ये गेहूँ का जो बीज है वो काफ़ी बेहतर है। और इसका नाम दोस्तों मुझे याद आया था लेकिन मैं भूल गया हूँ, लेकिन जब भी याद आएगा तो मैं डाल दूँगा, इसके अंदर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये गेहूँ दोस्तों लंबी भी है, जो पिछले साल यहाँ पर दोस्तों गेहूँ लगाई गई थी उस गेहूँ के मुकाबले ये गेहूँ लंबी भी है। और इसके अंदर जो बालियाँ निकल रही हैं ये भी ज़्यादा संख्या में है, और इसके अंदर जो दाने हैं दोस्तों निकले हुए वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में दोस्तों निकल रहे हैं यहाँ पर दाने। तो यहाँ पर अब की बार ये गेहूँ दोस्तों बहुत ही जल्दी तैयार हो रही है और पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ने की तरफ ये बढ़ रही है। और पिछले सभी रिकॉर्डों को दोस्तों अगर ये गेहूँ तोड़ पाती है तो ये एक विश्व कीर्तिमान यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के लिए बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी बेहतर बीज का प्रयोग इस गेहूं के अंदर दोस्तों किया गया है। यहाँ पर ये दूसरा खेत है जिसके अंदर बेहतर बीज लगाया गया है दोस्तों, और ये तीसरा खेत है, इसके अंदर भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया किस्म का बीज लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये गेहूँ भी दोस्तों काफ़ी पहले तैयार हो चली है, केवल पकने की इसकी आवश्यकता रह गई है और मंडियों में जाने का दोस्तों इसका समय कभी का हो जाता है। ये गेहूँ तो कभी की दोस्तों मंडियों में जा चुकी होती अगर बारिशों ने प्रावधान ना डाला होता यहाँ पर, तो अब तक की ये गेहूँ दोस्तों मंडियों में पहुँच जाती, क्योंकि बारिशें काफ़ी पड़ी हैं यहाँ पर, ओले पड़े हैं, तो ज़्यादा नुकसान दोस्तों फसलों को नहीं पहुँचा। उसके पहले ही ये फसलें दोस्तों तैयार हो चुकी थी, लेकिन ओलों और बारिशों ने थोड़ा यहाँ पर दोस्तों काम में प्रावधान डाला है, इन फसलों की तैयारी जो है थोड़ी लेट हुई है, अन्यथा ये फसल जो है दोस्तों ये फसल इस खेत की फसल अब तक दोस्तों मंडियों में जा चुकी होती। तो ये भी बेहतर बीज और बेहतर पैदावार वाली दोस्तों गेहूँ है यहाँ पर, और धीरे धीरे ये तैयारी की तरफ बढ़ रही है। इसके दाने भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी जो बालियाँ हैं वो भी बेहतर हैं, और ये भी लंबी गेहूँ है दोस्तों, एक होती है छोटी गेहूँ एक होती है लंबी गेहूँ, तो ये लंबी गेहूँ है दोस्तों। तो ये तीसरा खेत था दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया, ये तीसरा खेत है। और अब मैं चौथे खेत की तरफ दोस्तों आपको ले चलता हूँ जो आगे जा करके है थोड़ा। तो ये दूसरे वाला खेत था जो मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर जो बेहतर पैदावार है दोस्तों ये है पहले वाला खेत, और इसके अंदर भी एक बेहतर पैदावार वाला बीज लगाया गया है दोस्तों जो सभी रिकॉर्डों को यहाँ पर तोड़ेगा अब की बार। और ये रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की जो भरमार हो रही है तो इसमें से दोस्तों प्रति एक एकड़ में से मिनिमम 30 क्विंटल निकलने की पूरी दोस्तों हमारे किसान भाइयों को आशा है यहाँ पर। तो ये दोस्तों पहला खेत था, वो दूसरा, तीसरा, और आपको अब आपको दोस्तों मैं चौथा खेत दिखाता हूँ। ठीक मेरे सामने देखिए, ये है चौथा खेत दोस्तों, इसके अंदर भी जो गेहूं लगाई गई है ये भी दोस्तों काफ़ी सुदृढ़ काफ़ी अच्छी गेहूं है, लंबी गेहूं है, थोड़ा दूर से मैं आपको दिखा देता हूं देखिए। और लंबी होने के बावजूद दोस्तों इसके अंदर से पैदावार ज़्यादा निकलने के चांस हैं, और जो इसके दाने हैं वो भी ज़्यादा है, और इसका जो बीज है दोस्तों वो सर्वोत्तम बीज का प्रयोग इस गेहूँ के बीच में दोस्तों हमारे किसान भाइयों ने किया है। थोड़ा मैं इस तरफ से भी दिखा देता हूँ, ये फसलें दोस्तों तैयार हो चुकी हैं, अगर बारिशों ने और ओलों ने प्रावधान नहीं डाला होता दोस्तों तो अब तक तो ये फसलें जो है अब की बार मंडी में दोस्तों मार्च में ही पहुंच जाती, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये भी एक एकड़ से ज़्यादा है और लहलहाती हुई गेहूँ की फसल है दोस्तों, जो काफ़ी बेहतरीन है और रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए दोस्तों मच चल रही है यहाँ पर कि ये फसल जो है बहुत ही साम संभाल के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर पैदावार इसकी बढ़ाई गई है हमारे किसान भाइयों द्वारा। तो ये है चौथा खेत दोस्तों, अब मैं पाँचवें खेत की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये है पाँचवा खेत, तो इस खेत के अंदर भी दोस्तों वही बीज इस्तेमाल किया गया है, वही गेहूँ है, लंबी ज़्यादा बालियाँ हैं इसके अंदर, ज़्यादा दाने हैं और इनके अंदर दोस्तों हमारे किसान भाइयों ने पानी निरंतर दिया है, हालांकि बारिशों ने भी पानी की कमी पूरी की है, यूरिया वगैरह समय पर लगाया है और स्प्रे वगैरह भी समय पर किया है ताकि इसके अंदर जो है दोस्तों गुल्ली डंडा होता है ज़्यादा। ये फसल अगर गुल्ली डंडा दोस्तों इसमें उगाता है तो थोड़ी देरी से पनपती है, अगर इसमें दोस्तों गुल्ली डंडा नहीं होता तो ये बहुत जल्दी दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये फसल भी बेहतरीन से बेहतरीन फसल है। इसका भी बीज काफ़ी अच्छी किस्म का लगाया गया है हमारे किसान भाइयों ने दोस्तों, उस बीज का मैं नाम भूल रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊँगा आपको। और यहाँ दोस्तों हमारा कोई किसान भाई भी नहीं है जिसकी मैं इंटरव्यू ले सकता ताकि नाम का पता लग जाता। और एक बात दोस्तों अब की बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो गेहूँ लगी है वो लंबाई में ज़्यादा लंबी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पहले गेहूँ छोटी होती थी लेकिन अब की बार दोस्तों लंबी गेहूँ यहाँ पर लग रही है, काफ़ी ज़्यादा लंबी गेहूँ लग रही है, पिछली गेहूँ से काफ़ी ज़्यादा फर्क है दोस्तों इस गेहूँ के अंदर। और ये गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमारे किसान भाइयों को देगी और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पैदावार एक एकड़ में से 30 क्विंटल मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ निकलेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाएँ ताकि हमारे किसान भाइयों के साथ दोस्तों आप सभी जुड़ सकें और मैं भी दोस्तों अपने किसान भाइयों के साथ जुड़ा रहता हूँ, यहाँ पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो बहुत ही जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है दोस्तों ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।